हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग बात करेंगे सीटेट सीडीपी और सीडीपी के पैडागोजी के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में। याद रखिएगा, टॉप 50 क्वेश्चन जो सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। और इसके अलावा जो और भी बेहतर क्वेश्चन हैं जो कि आ सकते हैं, वो मैं इसमें लेके आया हूँ आप सबके लिए, ठीक। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी लोगों को शेयर करिए। सीटेट के लिए एकदम रामबाण वाला एग्जाम है ये, क्योंकि सीटेट मैक्सिमम क्वेश्चन को रिटर्न करता है, ओके। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैक्सिमम लेके आता है और वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आए हुए हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं हम लोग, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार जिस प्रक्रिया द्वारा नए अनुभव को पुराने विचारों में फिट करने के लिए पुनर्व्याख्या की जाती है उसे कहा जाता है, समायोजन, आत्मसात, अनुकूलन या एकीकरण। तो पियाजे के अनुसार जिस प्रक्रिया को नए अनुभव को पुराने विचार में फिट करने की पुनर्व्याख्या की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आत्मसात। क्या कहते हैं? आत्मसात, ओके। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कई बार आ चुका है। तो पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास के चरणों में होता है, विकास सरल से जटिल की ओर बढ़ता है, विकास सुदृढ़ीकरण से प्रभावित होता है या विकास एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है। तो क्या पूछा है कि क्या नहीं है, तो याद रखिएगा, विकास एक सुदृढ़ीकरण से प्रभावित होता है, ये सही नहीं है। विकास का सुदृढ़ीकरण नहीं होता, सब ऊपर एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं और सब कुछ सही तरीके से चलता है। नेक्स्ट, लेव वाइगोस्की के समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेड पीडी की अवधारणा निम्न को संदर्भित करता है, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। लेव वाइगोस्की के समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेड पीडी क्या संदर्भित करता है? पहला, एक शिक्षार्थी मदद से क्या कर सकता है और बिना मदद के क्या कर सकता है, इसके बीच का अंतर होता है। दूसरा, विकास का वह चरण जहां बच्चे परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीखते हैं। तीसरा, प्रत्यक्ष निर्देश के माध्यम बच्चों को पढ़ने की प्रक्रिया होती है। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण होता है। तो क्या सही जवाब है? तो सही जवाब है ZPD की, एक शिक्षार्थी मदद से क्या कर सकता है और बिना मदद से क्या कर सकता है, इसके बीच का अंतर होता है क्या, ZPD, ओके। नेक्स्ट, एरिक्सन, ये भी बहुत बार पूछा जाता है एरिक्सन के बारे में। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार शैशवावस्था का संकट है क्या, विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, पहल बनाम अपराध बोध या उद्योग बनाम हीनता, ओके। तो एरिक्सन क्या कहते हैं? तो विश्वास बनाम अविश्वास पे बात करते हैं। एरिक्सन क्या कहते हैं? मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार विश्वास भी होता है और अविश्वास वाली प्रताड़ना होती है शैशवावस्था में। विश्वास होगा तो आपके ऊपर आएंगे, गोद पर चढ़ेंगे, नहीं होगा तो रोना शुरू करेंगे, ओके। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तर्क के पूर्व परंपरागत स्तर की विशेषता क्या है? दंड से बचने के लिए नियमों का पालन, नैतिक सिद्धांतों को समझना और आत्मसात करना, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की चिंता, और चौथा है व्यक्तिगत अधिकारों और मूल्यों की मान्यता, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है? सबसे पहला जो है, इनके तीन स्तर होते हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। तो जो पूर्व परंपरागत है उसमें सबसे पहला चीज़ यही है, ठीक है, पहला सोपान यही है, दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करना, ओके। नेक्स्ट है, स्किनर के ऑपरेटिंग कंडीशनिंग के सिद्धांत में निम्नलिखित की भूमिका पर जोर दिया गया है, व्यवहार को आकार देने में पुरस्कार और दंड, संज्ञानात्मक विकास में आंतरिक मानसिक संरचनाएं, नैतिक विकास में सामाजिक संपर्क, चौथा है मोटर कौशल विकास में जैविक परिपक्वता, ठीक है। तो क्या सही है? व्यवहार को आकार देने में पुरस्कार और दंड, ये सही जवाब है। नेक्स्ट है, लगाव सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, लगाव मुख्य रूप से अनुवांशिकता से प्रभावित होती है। दूसरा, सुरक्षित लगाव सुसंगत और उत्तरदायित्व देखभाल से जुड़ा होता है। तीसरा, लगाव की शैलियाँ निश्चित होती है और समय के साथ बदलती नहीं है। और चौथा, सामाजिक और भावनात्मक विकास के लगाव महत्वपूर्ण नहीं है। तो क्या सही जवाब है? सही जवाब है बी ऑप्शन, सुरक्षित लगाव सुसंगत और उत्तरदायी देखभाल से जुड़ा होता है, ओके। याद रहेगा, सुरक्षित लगाव सुसंगत और उत्तरदायी देखभाल से जुड़ा होता है, यही लगाव सिद्धांत है, ठीक। याद रखिएगा, हमने जो 50 क्वेश्चन आए खटाखट वाले, एकदम से धड़ाधड़ 50 क्वेश्चन हम लोग रिपीट करेंगे, कोई टाइम पास नहीं, कोई बातचीत नहीं होगी, ठीक है, इसलिए है ना। तो थोड़ा धड़ाधड़ आप भी एक कॉपी पेन लेके बैठिए जब बगल में और देखिए आप कितना इससे क्वेश्चन कर पाते हो, और फिर मिलाइए कि आप कितना सही कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को, क्योंकि सब कुछ जितने हैं क्वेश्चन मैक्सिमम जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो जल्दी से देखिए, लगाने का प्रयास करिए, डन। चलिए नेक्स्ट,
गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि में स्वयं को समझना शामिल है? भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि या पारस्परिक बुद्धि? किसके बारे में बात कर रहा है? बहुबुद्धि, आठ प्रकार के बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था इन्होंने। तो स्वयं को समझना किस में बताया गया है? तो वो है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, इंट्रोस्पेक्शन मैथड। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में मचान की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? मचान याद रखिएगा, ठीक है, मचान, पाड़, ठीक है, ये सब क्या है, स्कैफोल्डिंग, ये सब चीज़ें एक ही चीज़ है, ठीक है। तो पहला है, किसी बच्चे को कोई कार्य सीखने में मदद करने के लिए अस्थायी सहायता प्रदान करना। दूसरा, बच्चों को स्वतंत्र रूप से अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है, आकलन के माध्यम से बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करना। और चौथा है, बच्चों के अनुकरण के लिए व्यवहार में मॉडल बनाना। तो क्या सही जवाब है? किसी बच्चों को कोई कार्य सीखने में मदद करने में एक अस्थायी सहायता प्रदान करना, यही क्या है हमारा ZPD है। ओके, सॉरी, ZPD नहीं, मचान है। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार ठोस परिचालन चरण के बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? क्या पूछ रहा है कि पियाजे के अनुसार ठोस परिचालन चरण में बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? अमूर्त रूप से सोचने और काल्पनिक रूप से तर्क करने की क्षमता होती है। यह समझना कि दूसरों को अलग दृष्टिकोण हो सकता है। आकार में परिवर्तन के बावजूद मात्रा को संरक्षित रखने की क्षमता होती है। और डी है, वस्तु अस्थायित्व का विकास होता है। तो सही जवाब क्या है? आकार में परिवर्तन के बावजूद मात्रा को संरक्षित करने की क्षमता होती है इनमें, ठीक है। नेक्स्ट है, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम निम्न के माध्यम से होता है। या देखिए, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, ठीक है, तो उसमें किसके माध्यम से होता है? ऑपरेटिंग कंडीशनिंग के माध्यम से, दूसरों का अवलोकन करना और उनकी नकल करने के माध्यम से, सुदृढ़ीकरण और दंड के माध्यम से, संगठनात्मक विकास के चरण के माध्यम से। तो क्या सही जवाब है? दूसरों का अवलोकन करना, उनकी नकल करना। ओके, क्या करना है? नकल करना। ओके, नेक्स्ट, मैस्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम के अनुसार उच्च आवश्यकता को पूरा करने से पहले निम्न में से कौन सी आवश्यकता को पूरा करना चाहिए? बहुत ही सही जवाब है मैस्लो का, मैंने बताया भी था पूरा एकदम डायग्राम बना के, ठीक है। तो मैस्लो के पदानुक्रमिक सिद्धांत है, पांच पद है, उनमें से बताना है कि कौन सबसे जरूरी है। आत्म साक्षात्कारण की आवश्यकता, दूसरा है सम्मान की आवश्यकता, तीसरा है सुरक्षा की आवश्यकता, चौथा है सामाजिक आवश्यकता, ठीक है। तो क्या जरूरी है? सबसे पहले सुरक्षा की आवश्यकता, याद रखिएगा, पहला दैहिक आवश्यकता, उसके बाद सुरक्षा की अवस्था का, और सुरक्षा की अवस्था पूरा करने के बाद ही आप किसी और उच्च आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट, पियाजे की संगठनात्मक विकास के सिद्धांत में समायोजन की अवधारणाओं का तात्पर्य क्या है? पियाजे के संगठनात्मक विकास के बारे में समायोजन की अवधारणा क्या है? मौजूदा स्कीमा में नए अनुभव को फिट करना। दूसरा, नए अनुभव को शामिल करने के लिए मौजूदा स्कीमा को बदलना। परीक्षण और त्रुटि माध्यम से परिकल्पनाओं का परीक्षण करना। और चौथा है, सांस्कृतिक मानदंडों और मूल्यों का अनुकूलन करना। तो क्या सही जवाब है? सही जवाब है नए अनुभव को शामिल करने के लिए मौजूदा स्कीमा को बदलना, ताकि मौजूदा स्कीम बदलेगा तभी तो एक नए अनुभव आप जहां ग्रहण कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, प्रारंभिक बचपन में मस्तिष्क के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्नैप्टिक प्रूनिंग न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन की संख्या को बढ़ाता है। माइनेंस तंत्रिका संचरण की गति देने से मदद करता है। मस्तिष्क का विकास मुख्य रूप से पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। और चौथा है, बच्चों के बड़े होने पर प्लास्टिसिटी कम हो जाती है। तो क्या सही जवाब है कि प्रारंभिक बचपन में मस्तिष्क के विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ये है, माइनेंसिंग तंत्रिका संचरण की को गति देने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पियाजे के अनुसार संगठनात्मक विकास के किस चरण की विशेषता ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने और ठोस समानताओं को समझने की क्षमता है? ठीक है, क्या कह रहा है कि ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने और ठोस समानताओं को समझने की क्षमता है। संवेदी मोटर अवस्था, पूर्व परिचालन अवस्था, ठोस परिचालन अवस्था या औपचारिक परिचालन अवस्था? तो क्या सही है? जाहिर सी बात है, ठोस परिचालन अवस्था, जिसे मूर्त परिचालन अवस्था भी कहते हैं। डन, नेक्स्ट, वस्तु अस्थायित्व की अवधारणा बच्चे के किस इस समझ को संदर्भित करता है कि, या देखिएगा, वस्तु अस्थायित्व की अवधारणा बच्चों के किस समझ को संदर्भित करता है? पहला है, वस्तु तब भी मौजूद रहती है जब उन्हें देखा, सुना और या छुआ नहीं जा सकता। बी ऑप्शन है, वस्तु आकार बदलती है लेकिन उनकी मात्रा वही रहती है। सी ऑप्शन है, वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। और डी ऑप्शन है, वस्तु को उनके डिजाइन के आधार पर अलग अलग उपयोग और कार्य होते हैं। ओके, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और एक बार इस सबको डायरी पर जरूर लिख रहे हैं, और लिखने के बाद मिलाइए जरूर। ओके, तो ये क्या है, वस्तु स्थायित्व के बारे में क्या सही जवाब है? तो सही जवाब है ए, वस्तु तब भी मौजूद होती हैं जब उन्हें हम सुना, छूना या देखा ना जा सके। ओके, नेक्स्ट, एरिक्सन, याद रखिएगा, एरिक्सन भी
मैक्सिमम टाइम आया है, इसलिए एरिक्सन को भी पढ़ लीजिएगा। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था का संकट क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास, ये तो नहीं है ना, क्योंकि ये तो शैशवावस्था का संकट है। डन। पहचान बनाम भूमिका भ्रम, सी है पहल बनाम अपराध बोध, डी है उत्पाद क्षमता बनाम ठहराव। ओके, तो 17 क्या है? 17 है पहचान बनाम भूमिका भ्रम। ठीक है, कि किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है कि आपकी भूमिका क्या है, कभी बोलते हो आप बड़ा है, कभी बोलते हो आप छोटे हो। ठीक है, तो इनको समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में वो हैं क्या, तो एक भूमिका का भ्रम होता है। नेक्स्ट, आत्म प्रभावीकरण करिता की बंडूरा की अवधारणा संदर्भित करिए। आत्म प्रभावकारिता की विशिष्ट परिस्थिति में सफल होने और कार्यों को पूरा करने की उनकी क्षमता में विश्वास, सामाजिक संबंध और रिश्ते जो व्यक्तिगत विकास में योगदान करते हैं, सी आंतरिक प्रेरणा जो व्यवहार और निर्णय लेने में प्रेरित करते हैं, और चौथा सांस्कृतिक मानदंड और मूल्यों जो व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करते हैं। तो क्या सही जवाब है? सही जवाब है ए, विशिष्ट परिस्थिति में सफल होने या कार्यों को पूरा करने की अपनी क्षमता में विश्वास। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बचपन के शुरुआती विकास में खेल की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? याद रखिएगा, खेल की भूमिका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। खेल की भूमिका, पहला, खेल मुख्य रूप से अवकाश गतिविधि है, इसकी शैक्षिक मूल्य बहुत कम होता है। ओके, नेक्स्ट, खेल बच्चों की सामाजिक कौशल कल्पना और समस्या समाधान क्षमताओं में विकास करने में मदद करता है। तीसरा है, सीखने के परिणामों को अधिकतम करने के लिए खेल वयस्कों द्वारा संचालित और निर्देशित किया जाता है। ये तो बिल्कुल गलत जवाब है, निर्देशित कोई नहीं करता। ठीक है, खेल का संज्ञानात्मक भावात्मक विकास नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये भी गलत जवाब है। सही जवाब है, खेल हमारी सामाजिक कौशल कल्पना और समस्या समाधान के को विकसित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, गार्डनर, ये भी गार्डनर से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि में दूसरों को समझने और उनसे संबंधित होना शामिल है? याद रखिएगा, दूसरों को समझना है, खुद को नहीं। स्थानिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, पारस्परिक बुद्धि या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, तो कौन सी बुद्धि है? तो वो है पारस्परिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? पारस्परिक बुद्धि, जिसे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि भी कहते हैं। नेक्स्ट, एरिक्सन फिर से आ गए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, इसलिए जो आ रहे हैं वो सब पढ़ना है आप सबको और भी बेहतर तरीके से, क्योंकि ये है, इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो डाले रखे हैं, पढ़ाए भी रखे हैं, उसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक व्यस्तता का संकट है। ठीक है, प्रारंभिक व्यस्तता का संकट है, अंतरंगता बनाम बलवान अलगाव, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। ओके, जनन क्षमता बनाम ठहराव। याद रखिए, अभी हम लोग पढ़ा रहे, ये किशोरावस्था का चीज़ है। ठीक है, तो ये तो होना नहीं है, ये वयस्क चीज़ें बात कर रहा है। इससे पहले मैंने शैशवावस्था का भी बता दिया, ये किशोरावस्था का भी बना दिया, अब वयस्क का जो चीज़ है वो आपको बताना है। जनन क्षमता बनाम ठहराव, ठीक है। चौथा है, स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। ठीक है, तो ये चार में से क्या हो सकते हैं? तो ये है अंतरंगता बनाम अलगाव, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे ना वो प्रारंभिक वयस्क है, अभी हैं एकदम लगे पड़े हैं कि भैया लाइफ एकदम सेटल करना है, उसमें लगता है कि वो कट रहे हैं फैमिली से, कट रहे हैं समाज से। ठीक है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आता है अंतरंगता बनाम अलगाव में। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तर्क का कौन सा स्तर सामाजिक मानदंडों और कानून के पालनों की विशेषता है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तर्क का कौन सा स्तर सामाजिक मानदंडों और कानूनों के पालन की विशेषता है? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर या सार्वभौमिक नैतिक स्तर? तो क्या सही है? तो परंपरागत स्तर, यानी पारंपरिक स्तर, जहाँ पर बच्चा स्कूल जाता है और वहीं पर वो सबसे ज़्यादा नैतिक तर्क सीखता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल विकास में संस्कृति की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? संस्कृति की, तो पहला है, संस्कृति का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है क्या? ठीक, तो ये तो ऐसे ही कट गया। नेक्स्ट, सांस्कृतिक प्रथाएँ और विश्वास बच्चों के व्यवहार और धारणाओं को आकार देते हैं। तीसरा है, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक ही तरह से विकसित होते हैं। ये भी गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता, एक ही तरह से सब विकसित हो। सांस्कृतिक विविधता का बाल विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये भी नहीं हो सकता। भाई, संस्कृति हमारे लिए अच्छी चीज़ है, भाई गुस्की ने कह रखा था, तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, प्रथाएं और बच्चों में विश्वास के व्यवहार की धारणाओं को आकार देता है। ओके, नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण अवधि की अवधारणा से तात्पर्य है। महत्वपूर्ण अवधि की अवधारणा, पहला, विकास के दौरान एक विशिष्ट समय जब सामान्य विकास सुनिश्चित करने के लिए कुछ अनुभव होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। नेक्स्ट है, समय के साथ कौशल और क्षमताओं में क्रमिक विकास होता है, ऐसा नहीं है, कभी कभी कुछ अनुभव बहुत तेज़ी से होते हैं। तीसरा है, सुदृढ़ीकरण और दंड के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया होनी चाहिए, दंड तो गलत चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है, चौथा, विभिन्न वातावरण और सामाजिक स्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या सही जवाब है? सही जवाब है, सुनिश्चित करने के लिए अनुभव होना चाहिए।
ओके ऐसे अगर आप करेंगे तो आराम से आप क्वेश्चन पेपर कर ले जाओगे, हल भी कर ले जाओगे और मैक्सिमम आपके सही भी होंगे। ठीक, तो पहले जो गलत हो रहे हैं उसको काट लो और फिर सोचो कि इसमें से क्या हो सकता है। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण की विशेषता अहंकारी सोच और संरक्षण को की समझ की कमी है? या देखिएगा, अहंकारी सोच है और संरक्षण की समझ की कमी बताता है। संवेदी मोटर चरण, पूर्व संचालन चरण, ठोस परिचालन चरण या औपचारिक परिचालन चरण? ठीक है, तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के विशेष अहंकारी सोच। अहंकारी सोच कब होता है? जब बच्चा बहुत छोटा होता है या थोड़ा सा उस एज में होता है जो सोच सके। ओके, याद रहेगा। तो संवेदी मोटर में वो उस एज पे होता ही नहीं कि वो सोचे, तो यहाँ पे तो अहंकारी सोच हो ही नहीं सकता। ठोस परिचालन चरण में क्या होता है कि वो मूर्त हो जाता है, तर्क आना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे भी इस तरह के सोच जो होते हैं वो नहीं हो पाता। तो सही जवाब क्या है? पूर्व संचालन चरण, पूर्व परिचालन चरण। ओके, यानी सेकेंड वाला जो चरण है उसमें ये सब चीज़ें थोड़ी सी हो जाती हैं। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मचान का उदाहरण है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है इसलिए शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। तो किसी कार्य को पूरा करने के लिए चरण दर निर्देश प्रदान करना, या देखिएगा, ठीक है, ऑप्शन चेंज है। दूसरा, बच्चों को बिना मार्गदर्शन के स्वतंत्र रूप से अन्वेषण कर देना, ये तो ये वाइगोत्स्की बोलते ही नहीं है। आकलन के माध्यम से बच्चों का ज्ञान का परीक्षण करना, ये भी गलत है। ठीक है, सही उत्तर के लिए बच्चों को पुरस्कृत करना, ये तो बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है? किसी कार्य को पूरा करने के लिए चरण दर चरण निर्देशन प्रदान करना, यानी बार बार किसी चीज़ को मदद करना, यही हमारा क्या है, मचान है, यानी कोई अस्थायी सहयोग आपको प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैशवावस्था में लगाव की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? या देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा है, लगाव की अवधारणा कहाँ पे? शैशवावस्था में। लगाव पूरी तरह अनुवांशिक और जैविक कारकों द्वारा निर्देशित होता है। दूसरा है, लगाव एक बच्चों और उनके देखभाल करने वालों के बीच एक मजबूत भावनात्मक बंधन है। तीसरा, भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए लगाव महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी गलत चीज़ है। ठीक है, लगाव की शैलियाँ निश्चित होती है, समय के साथ बदलती नहीं है, ये भी गलत है, समय के साथ बदलती रहती है लगाव। तो दो में से क्या सही हो सकता है? तो जाहिर सी बात है ये भावनात्मक बंधन होता है एक लगाव। नेक्स्ट, ब्रोफेनब्रेनर के परिस्थिति के तंत्र के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोस्टिस का प्रतिनिधित्व करता है? थोड़ा सा बायोलॉजी वाले क्वेश्चन आ गया है ये। सांस्कृतिक मूल्य और विश्वास, तत्काल परिवार, स्कूल और सहकर्मी समूह, सामाजिक और आर्थिक नीतियाँ, व्यापार और सामाजिक संबंध। ठीक है, तो 28 के बी है, तत्काल परिवार, स्कूल और सहकर्मी समूह, इस ब्रोफेनब्रेनर की परिस्थिति के तंत्र से संबंधित अनुसार होता है। या देखिएगा, 11th क्लास के जो बायो में है उसमें एवोल्यूशन वाले चैप्टर में है ये। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे अच्छा वर्णन है, या देखिएगा। ठीक है, तो कौन है? आनुवांशिक बाल विकास के सभी पहलुओं पर निर्धारित करता है जबकि पर्यावरण न्यूनतम भूमिका निभाता है, ये तो गलत जवाब है, न्यूनतम भूमिका कहाँ से होगा। दूसरा है, पर्यावरण के संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास की तुलना में शारीरिक विकास पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये कह रहा है पर्यावरण का सामाजिक विकास की तुलना में शारीरिक विकास पर अधिक प्रभाव पड़ता है, क्या ये सही है? आप सहमत हैं इसे? ठीक है, तीसरा, अनुवांशिक और पर्यावरण बाल विकास को आकार देने के लिए परस्पर क्रिया करते हैं। चौथा है, अनुवांशिक और पर्यावरण का बाल विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब सोचो इस चीज़ को तो ऐसे ही काट दोगे। तो सही जवाब क्या है कि दोनों मिलके काम करते हैं, दोनों मिलके सामाजिक और शारीरिक दोनों पे काम करते हैं, सिर्फ एक पे नहीं। अब देखिए, एरिक्सन वापस से आ गया, मैं इसीलिए इसके सारे क्वेश्चन लिया हूं ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार मध्यवयस्कता का संकट क्या है? मध्यवयस्कता, या देखिए, मध्यवयस्कता पूछ रहा है 40 से 60 वाला। अंतरंगता बनाम अलगाव, जनन क्षमता बनाम ठहराव, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, स्वायत्तता बनाम सर्व। ठीक है, अब देखो, पहचान बनाम भूमिका भ्रम हमने कब पढ़ लिया था? किशोरावस्था में पढ़ लिया था। ठीक है, और अंतरंग बनाम अलगाव ये भी मैंने पढ़ लिया था। कब पढ़ा था? ये स्टार्टिंग का व्यस्तता वाला है तो ये भी नहीं होगा। अब बीच वाला क्या हो सकता है? तो बीच वाला है जनन क्षमता बनाम ठहराव, क्योंकि धीरे धीरे अब जनन क्षमता वाला एज शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बीच वाला जो मध्यवयस्कता है, ठीक है, वो कहाँ से है? जनन क्षमता बनाम ठहराव वाला। ठीक, अब ठहराव चाहिए ना एक समय के बाद, 40 साल जब कर लेते हो आप, 30 साल तक बहुत रगड़ के काम कर सकते हो, लेकिन 40 साल के बाद आप उतना मेहनत नहीं कर सकते, तो वहाँ चाहिए आपको ठहराव कि भैया अब रुक जाओ, अब सब चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, 30-35 साल के बाद से ये चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तर्क का कौन सा स्तर व्यक्तिगत नैतिक सिद्धांतों के पालन की विशेषता है? ठीक है, व्यक्तिगत नैतिक सिद्धांत, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर या सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत। ठीक है, तो क्या है? उत्तर परंपरागत स्तर, या देखिएगा, व्यक्तिगत नैतिकता वहीं आता है, कोई सिखाता नहीं, हम खुद से सीखना शुरू कर देते हैं, उत्तर परंपरागत है ये। नेक्स्ट है, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार अवलोकन अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है? व्यवहार का नकल करने के लिए दंड,
पर्यवेक्षक के लिए सीमित संज्ञानात्मक क्षमताएं, मॉडल के व्यवहारिक सुदृढ़ीकरण या मॉडल पर ध्यान न देना। ठीक है, तो सही जवाब है सी, मॉडल के व्यवहार का सुदृढ़ीकरण। ठीक है, मॉडल के व्यवहार का सुदृढ़ीकरण। ठीक है, नेक्स्ट, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार व्यस्तता का उत्तराधिक संकट क्या है? अंतर्गत बनाम अलगाव। अब ये देखिए, व्यस्तता का उत्तराध संकट, अब व्यस्तता का सबसे लास्ट वाला पूछा है, तो अंतर्गत बनाम अलगाव है क्या? क्या ऐसा है क्या? नहीं ना, अखंडता बनाम निराशा है, या पहचान बनाम भूमिका भ्रम है, या स्वायत्तता बनाम शर्म या संदेह है। ठीक है, अब लास्ट वाला है, तो अखंडता बनाम निराशा है कि पता नहीं हुआ है, तो ठीक है अखंड है तो बढ़िया है, एकदम बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग स्कीमा सिद्धांत की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? लिंग स्कीमा सिद्धांत। डन, तो बच्चे सुदृढ़ीकरण और दंड के आधार पर लिंग की पहचान विश्वास करते हैं, क्या ऐसा है क्या? नहीं ना। नेक्स्ट, लिंग भूमिका मुख्य रूप से जैविक कारकों द्वारा निर्धारित होती है, क्या ऐसा है? सिर्फ जैविक कारक पर काम करता है ये। डन, नेक्स्ट, बच्चे सामाजिक अपेक्षाओं के आधार पर लिंग की अपनी समझ का सक्रिय रूप से निर्माण करते हैं। चौथा, व्यवहार में लिंग अंतर जन्मजात होता है और सामाजिक कारकों को प्रभावित नहीं करता है। तो क्या सही जवाब है? बच्चे सामाजिक क्षमताओं के आधार पर लिंग अपनी समझ के विकास स्वयं करते हैं। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस चरण की विशेषता अमूर्त रूप से सोचने और काल्पनिक रूप से तर्क करने की क्षमता है? ठीक है, अमूर्त रूप से सोचने, याद रखिएगा, समिधि मोटर, पुरुष परिसंचालन, ठोस परिचालन या औपचारिक परिचालन। ओके, तो क्या पूछा है? अमूर्त है, अमूर्त मतलब औपचारिक परिचालन की अवस्था है। ठीक है, क्या है? औपचारिक परिचालन की अवस्था है। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की की अधिक जानकार दूसरे की अवधारणा से तात्पर्य क्या है? अधिक जानकार दूसरे की अवधारणा से तात्पर्य क्या है? एक वयस्क जो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रित और निर्देशित करते हैं, एक सहकर्मी जो सीखने की गतिविधियों के दौरान बच्चों के भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो पास ज्ञान या क्षमता का उच्च स्तर और बच्चे के को उसके ZPD में मदद करता है। ठीक है, या एक बच्चे जो किसी विशेष कौशल में अधिक उन्नत है, मॉडलिंग के माध्यम से दूसरों को सिखाता है। ठीक, तो 36 में क्या है? तो ये एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज्ञान और क्षमता में उच्च स्तर रखता है और जो बच्चों को ZPD में मदद करता है, यानी कोई ना कोई सिखाएगा, तभी तो दूसरे से आप बेहतर हो पाओगे। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक मानदंडों और कानूनों के पालन की विशेषता का चरण बताइए। ठीक है, ये मैंने जब पढ़ाया था तब भी बताया था, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कोहलबर्ग है, वाइगोत्स्की है, गार्डनर है, ठीक है, एरिक्सन है, ये सब सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसे। तो क्या है? पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर में ही तो कानून और सामाजिक दंड, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है, टीचर के द्वारा प्रदान की जाती है। व्यवहारिक सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने में पर्यावरण की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है? ठीक, व्यवहार मुख्य रूप से आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं से प्रभावित होता है। दूसरा, व्यवहार को सुदृढ़ीकरण और दंड के माध्यम से आकार दिया जाता है। तीसरा, व्यवहार अनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारित होता है, उसे बदला नहीं जा सकता। क्या ऐसा होता है क्या? बदला नहीं जा सकता, ये गलत चीज़ है। व्यवहार अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से होता है। तो क्या सही जवाब है 38 का? क्या सही जवाब है? तो व्यवहार सुदृढ़ीकरण और दंड के माध्यम से आकार दिया जाता है, ये किसने कहा था? ठीक है, मैं मैसेज करके बताइएगा, कमेंट करके। नेक्स्ट, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से पता चलता है कि व्यक्ति निम्न से भिन्न होता है: तार्किक तर्क की क्षमता से, मानकीकृत परीक्षणों पर अच्छे प्रदर्शन करने की क्षमता से, श्रवण या दृश्य सीखने की प्राथमिकता से, या पारंपरिक IQ माप से पूरे बुद्धिमत्ता के सीमा से। ठीक, तो कैसे पता चलेगा भिन्न है? तो IQ के माप कर लेंगे, उसकी सीमा देख लेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि आप किस बुद्धि के व्यक्ति हैं। देखिए, एरिक्सन, ये भी आ गया, एरिक्सन के मानव सामाजिक सिद्धांत को सर, प्रारंभिक बचपन का संकट क्या है? प्रारंभिक बचपन का, या देखिए, बचपन की बात करा है, ठीक है, शैशवावस्था मैंने कह दिया, वयस्क अवस्था का, तीनों देख लिया, अब पूछा है किसमें? बचपन। बिना विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्ता बनाम शर्म संदेह, पहल बनाम अपराध बोध, या उद्योग बनाम हीनता। ठीक है, तो क्या है? बचपन में हम लोग शर्म बहुत करते ना, तो स्वायत्ता बनाम शर्म और संदेह। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार सही है? ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यवहारवादी सिद्धांतों में सुदृढ़ीकरण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? या देखिए, क्या पूछ रहा है? सुदृढ़ीकरण। तो सुदृढ़ीकरण किसी व्यवहार के दोबारा होने की संभावना को कम करता है। सुदृढ़ीकरण में वांछित व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार प्रदान करना शामिल है। सुदृढ़ीकरण का उपयोग मुख्य रूप से अवांछनीय व्यवहार को दंडित करने के लिए किया जाता है, या सुदृढ़ीकरण को सीखने और व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सही जवाब बताएं जल्दी से,
क्या सही जवाब है? तो सुदृढ़ीकरण का वांछित व्यवहार के प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार प्रदान करना होता है। सुदृढ़ीकरण का मतलब होता है पता है क्या? वेरी गुड, गुड, यानी ये दो तरीके होते हैं, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। नकारात्मक में वेरी पुअर लिख देना या कहना कि भाई तुम नहीं कर सकते, इस तरह की चीज़ें नकारात्मक सुदृढ़ीकरण होता है। वहीं पर पॉजिटिव में गुड होता है, स्टार लगाना, मुस्कान देना, ठीक है, स्माइली बनाना, ये सब चीज़ें जो है वो पॉजिटिव है, तो प्रोत्साहन देने के लिए होता है, याद रखिएगा, प्रोत्साहन देने के लिए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में निजी भाषण इस प्रकार कार्य करता है। निजी भाषण दूसरों के साथ संवाद करने का एक तरीका है। बी ऑप्शन है आत्मनियमन और आत्म समस्या समाधान का एक रूप है। तीसरा संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत है। चौथा साथियों पर प्रभुत्व स्थापित करने का साधन है। तो क्या सही जवाब है? आत्मनियमन और समस्या समाधान का एक रूप है निजी भाषण, ताकि वो अपने आप से सीखे और उसका पालन करे। ओके, नेक्स्ट है भाषा विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बड़ा अच्छा आसान सा क्वेश्चन है और अच्छा भी है। तो भाषा विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भाषा विकास मुख्य रूप से जैविक कारकों से प्रभावित होता है, ये ऑप्शन है। बी है बच्चे ऑपरेटिंग कंडीशनिंग के माध्यम से सीखते हैं। ऑपरेटिंग कंडीशन याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये और कई बार पेपर में आया है, ठीक है। सी है भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास के समान चरण में होता है। और डी है बच्चों में भाषा सीखने का एक वयस्क द्वारा स्पष्ट रूप से भाषा सिखाई जानी चाहिए, ये तो गलत चीज़ है। तो सही जवाब है संज्ञानात्मक, ठीक है, भाषा विकास एक संज्ञानात्मक विकास के समान चरणों में होता है। ओके, नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण की विशेषता आकार में परिवर्तन के बावजूद मात्रा को संरक्षित करने की क्षमता है? ओके, याद रखिएगा क्या क्वेश्चन है, कि आकार में परिवर्तन के बावजूद मात्रा को संरक्षित करने की क्षमता है। संवेदी मोटर में होता है, पूर्व संचालन में होता है, ठोस संचालन में होता है या औपचारिक संचालन में? ठोस यानी मूर्त होता है, याद रखिएगा, बार बार ये ठोस लिख के आ रहा है क्योंकि पेपर में भी एक जगह था तो मैंने इसीलिए यही लिख दिया है, डन। तो क्या है ये, तो आकार में परिवर्तन के बावजूद मात्रा के संरक्षित करने की क्षमता है, तो वो है ठोस परिचालन की अवस्था यानी मूर्त परिचालन अवस्था। ओके, नेक्स्ट बंडूरा के पारस्परिक नियतिवाद, ओके, नियतिवाद की अवधारणा बताती है कि व्यवहार निम्नलिखित से प्रभावित होता है, केवल आंतरिक मानसिक अवस्था द्वारा, केवल बाहरी पर्यावरणीय कारक द्वारा, आंतरिक मानसिक अवस्था और बाहरी पर्यावरणीय कारक दोनों द्वारा, या अचेतन ड्राइवन या आवेग द्वारा? ओके, तो सही जवाब है आंतरिक मानसिक अवस्था और बाहरी पर्यावरणीय कारक दोनों ही के द्वारा होता है। नेक्स्ट भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा निम्न की क्षमता को संदर्भित करती है, जटिल गणितीय समस्याओं की जल्दी से हल करने की, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और दूसरों की भावनाओं को समझना। सी है जानकारी का सही ढंग से याद रखना और याद रखना, ठीक है, और डी है संज्ञानात्मक क्षमता के मानकीकृत परीक्षणों का अच्छा प्रदर्शन करना। ओके, तो सही जवाब क्या है, सही जवाब क्या है भावनात्मक बुद्धिमत्ता का? तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और दूसरों की भावनाओं को समझना, यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। ओके, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तर्क के किस स्तर की विशेषता दंड से बचने के लिए नियमों के अनुरूप होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दंड से बचने के लिए याद रखिएगा, ठीक है, पहला पूर्व परंपरागत स्तर, बी है पारंपरिक स्तर, सी है उत्तर पारंपरिक स्तर, या डी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ओके, तो डी वाला तो ऐसे ही काट देते हैं, ये तो स्तर ही नहीं है उनका। तो सही जवाब है क्या, पूर्व परंपरागत स्तर, इसी में तो दंड है ना, पहले वाले में, पहले वाले का पहला सोपान। ओके, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक विकास के खेल की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? खेल का संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्या ऐसा है क्या, ये तो आंख बंद करके काट सकते हो। खेल बच्चों के अभ्यास करने और नए कौशल विकसित करने की अनुमति देता है। सी खेल के वयस्कों द्वारा संचारित और निर्देशित किया जाना चाहिए ताकि सीखने के अधिकतम किया जा सके। ओके, क्या ये सही है क्या, ये भी नहीं है भाई, वयस्क द्वारा निर्देशित कैसे हो सकता है। डी खेल संज्ञानात्मक विकास का एक हानिकारक कारक है। तो सही जवाब क्या है, हानिकारक भी नहीं हो सकता, गलत जवाब है। तो सही जवाब क्या है, बी ऑप्शन, बच्चे खेल के अभ्यास करने का नए कौशल विकसित करने की अनुमति देता है, यानी खुद ही नए कौशल, खुद ही नए नए नियम लगाओ, ठीक है, एक टप्पा गिरा कैच आउट हो गया, ठीक है, एक नए नए नियम लगते हैं। नेक्स्ट वाइगोत्स्की के अनुसार मचान में शामिल है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया ये सब, ठीक है। तो प्रत्यक्ष निर्देशन प्रदान करना और गलतियों को सुधारना, क्या ये है मचान? बी बच्चों को मार्गदर्शन के बिना स्वतंत्र रूप से अन्वेषण करने की अनुमति देना।
सी है बच्चों की परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, और डी है बच्चों के लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करने के लिए अस्थायी सहायता प्रदान करना। मचान का मतलब यही होता है, अस्थायी सहयोग। कई बार क्वेश्चन आया और कई बार ये समान सा चीज़ है, पाड़, मचान, स्कैफोल्डिंग, ये सब चीज़ है। ओके, सेम चीज़। और लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास को समझने में सांस्कृतिक संदर्भों के महत्व पर जोर देता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सांस्कृतिक संदर्भ, या देखिए कई बार मैंने समझाया भी है, सांस्कृतिक सामाजिक क्या बोला है, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा यह किसका सिद्धांत है। ठीक है, तो ये किसका है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो इसको एक से दो बार जरूर देखिएगा, इसे लाइक करिए, अगर पसंद आए तो और भी लोगों को शेयर करिए, ताकि सीटेट एग्जाम और भी बेहतर हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।